किसान नेता ने 6 फरवरी को चक्का जाम कर देने का ऐलान किया है। ऐसे में पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की ओर से बंदी कर दी गई है और किले भी लगा दिए गए हैं, जिससे किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में नहीं घुस सकते। ऐसे में पुलिस के इन इंतजामों को देखने के बाद अब किसान नेताओं ने भी बयान जारी कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर धरना देते हुए 2 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है। केंद्र सरकार लगातार बातचीत का रास्ता खुलने रहने की बात कर रही है, लेकिन अब तक इसकी कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। ऐसे में किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम कर देने का ऐलान किया गया है। हालांकि जिस तरह के हालात 26 जनवरी को दिल्ली में देखे गए थे, उसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर बेहद ही कड़ी सुरक्षा की जा रही है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पुलिस के बड़े बंदे कर दिए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और इसके साथ ही किले भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस के पक्का इंतजाम देखते किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो नंबर उन्हें भी चाहिए जिस पर सरकार ने कहा था कि एक फोन की दूरी पर है। जब वो पहले दिल्ली जा रहे थे तब भी रास्ते में किले लगाए गए थे, अब हमें दिल्ली नहीं जाना तो फिर किले क्यों लगाए जा रहे हैं? इससे जनता को परेशानी होगी। जितना जनता के रास्ते बंद होंगे उतना ही लोगों को पता चलेगा कि कौन किसके लिए किले लगा रहे हैं। ये रोटी को संदूक में बंद करने की साजिश है। ये जनता जान चुकी है कि 6 फरवरी को जो बंद किया जाएगा उससे पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने इतना कहने के साथ सरकार को धमकी भी दे डाली कि 4-5 दिन तक अगर ये मामला नहीं सुलझा तो आंदोलन पूरा साल खींचा जाएगा। किसान नेताओं की ओर से दिल्ली की सीमाओं पर की जा रही बड़े बंदी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि जब तक पुलिस और प्रशासन की ओर से किसानों को आंदोलन के खिलाफ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न को तुरंत नहीं रोका जाता है, तब तक सरकार के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार विभिन्न राज्यों में चल रहे विरोध की बढ़ती ताकत को बेहद भयभीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने विभिन्न थाने में कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत और किसानों के वाहन जब्त किए जाने पर निंदा की है। सैकड़ों लोगों के लापता होने की सूचना है और यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मतलब है कि किसान संगठन 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने वाले हैं, जो सिर्फ कुछ घंटे के लिए होगा, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर बेहद कड़ी तैयारी कर ली है। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग्स की गई है, सड़क पर किले भी खोद दिए गए हैं और कांटेदार तारों भी लगाए गए हैं। पुलिस की ओर से ऐसी तैयारी इसलिए की जा रही है कि किसान प्रदर्शनकारी फिर से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में ना आ पाए। लेकिन इस सब के बाद किसान नेताओं को पुलिस का यह कदम हजम नहीं हो रहा है, इसलिए अब वो सरकार को धमकी देने पर आ चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि किसान के इस चक्का जाम से जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर भी कहा गया था, लेकिन हालात इससे उल्टे हो गए थे। दिल्ली में दोबारा किसानों की ओर से इस तरह का उत्पाद न बताया जा सके, इसलिए पुलिस की ओर से यह इंतजाम किया गया है। इस पर राकेश टिकैत कितने भी बयानबाजी क्यों ना कर ले, लेकिन इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर डालना ना भूलें।